नमस्कार दोस्तों, आज हम 7 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप, ये भी हाल ही में 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो इनको हम कवर कर लेते हैं। पहले गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? पीएस श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सत्यदेव नारायण आर्य। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? मंगूभाई छगन भाई पटेल। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने हैं? थावरचंद गहलोत। मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हरिबाबू कम्भमपति। हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? बंदारू दत्तात्रेय। और झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं रमेश बैस। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 पक्षियों को देखे जाने के बाद किस टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाना शुरू की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अभी हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जो अधिकारी हैं, उन्होंने गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाना शुरू कर दिया है। और ये कहां पर स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? यह है बिहार में। एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यह बिहार में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसको तो हमने कल भी कवर किया था, ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप कह सकते हैं, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आप कह सकते हैं। मानस टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? तो ये आसाम में स्थित है। और यहां पर देखो आप, एक करेक्शन कर लीजिएगा, कल हमने पढ़ा था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कल मैंने गलती से मेघालय बोल दिया था, तो ये मेघालय में नहीं है, ये आसाम में स्थित है, इसलिए इसको आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये मेघालय में नहीं है। काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर से बोलता हूँ, ये मेघालय में नहीं है, ये आसाम में स्थित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर है, ये बिहार में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप ये देखिए, इस डिस्कशन में हमने जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट 190 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर आपने अभी तक जून महीने का करंट अफेयर कवर नहीं किया है, तो इस डिस्कशन को कवर करने के बाद आपका जून 2021 का एक भी करंट अफेयर रह नहीं जाएगा। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मतलब पूछा गया है। तो ये कहां पर आयोजित होगा? ये होगा गोवा में। और ये कब से लेके कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 20 से लेके 28 नवंबर 2021 के बीच, 20 से लेके 28 नवंबर 2021 के बीच चलेगा। जब ये आयोजित होगा तो ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे फोकस कंट्री कौन सा होगा, तो इन सभी को हम जब अच्छे से डिटेल के साथ कवर करेंगे। बात करें केरला की, देखो केरला की आप दो स्कीम याद रखिएगा, कौन कौन सी? एक तो स्मार्ट किचन योजना, और दूसरी कौन सी है? वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। ये दोनों स्कीम केरल सरकार की हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च की है। हरियाणा की बात करें तो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, ये हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है। तो सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, गोवा। गोवा की लोकेशन देखिए, ये रही गोवा की लोकेशन, ये ऊपर महाराष्ट्र है और नीचे कर्नाटक है। सिर्फ इन दो राज्यों के साथ गोवा की सीमा लगती है। गोवा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो पणजी इसकी कैपिटल है, जो मंडोवी रिवर के किनारे पे है। 30 मई 1987 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। प्रमोद सावंत ये मुख्यमंत्री हैं। पीएस श्रीधरन पिल्लई ये भी हाल ही में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं गोवा के। दो जिले हैं लोकसभा के, 2 सीट राज्यसभा के, 1 विधानसभा की 40 सीटें हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक दो राज्यों के साथ सीमा लगती है। इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें, मोलम नेशनल पार्क, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंसी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सभी गोवा में स्थित हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र गोवा और DNHDD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। रायतोलम लेक, बोंदावा लेक, दोनों लेक गोवा में हैं। सलूली लीम डैम ये गोवा में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसको कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और हमने कवर किया गया था
थावर चंद गहलोत। फर्स्ट स्लाइड में हमने कवर किया था थावर चंद गहलोत, इनको कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? इनके पास सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय है और इनको बहाली में कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मंगूभाई छगन भाई पटेल, ये किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। रमेश बैस, रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? तो ये कहाँ के हुए हैं? ये हुए हैं झारखंड के। सत्यदेव नारायण आर्य, ये किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? तो ये कहाँ के हुए हैं? ये हुए हैं त्रिपुरा के। ये सभी फैक्ट आप याद रखेगा। वैसे तो सभी राज्यपाल जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं इनको हमने इसी डिस्कशन के फर्स्ट स्लाइड में अच्छे से कवर कर लिया है। बढ़ते हैं आगे। ये कर्नाटक की लोकेशन है, ये देखिए आप। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन छह राज्यों के साथ कर्नाटक की बाउंड्री शेयर होती है। इसकी कैपिटल क्या है? बैंगलोर इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। बी एस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत ये राज्यपाल हैं। बैंगलोर में इसकी हाई कोर्ट है। अभय श्रीनिवास ओका ये मुख्य न्यायाधीश हैं। 31 जिले हैं लोकसभा की, 28 सीट राज्यसभा की, 12 विधानसभा की, 224 विधान परिषद की 75 सीटें हैं। बाउंड्री की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और गोवा, छह राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुधेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी कर्नाटक में स्थित हैं। कृष्णा राज सागर डैम जो कावेरी रिवर के किनारे पे है। तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है। अलमाती डैम कृष्णा रिवर के किनारे पे है। हेमावती डैम ये हेमावती रिवर के किनारे पे है। काबिनी डैम ये सभी डैम ये कर्नाटक में स्थित हैं। किसने नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है धवल कुलकर्णी ने। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब अभी तक की जो बुक न्यूज़ में रही हैं उन सभी को हम कवर कर लेते हैं। रस्किन बॉन्ड इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी नाम क्या है? इट्स ए वंडरफुल लाइफ। अमृत सेन इनकी बुक का नाम क्या है? होम इन द वर्ल्ड। कौशिक बासु इनकी बुक का नाम क्या है? पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। संदीप मिश्रा इनकी बुक का नाम क्या है? फेयरसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। आर वी रविंद्र इनकी बुक का नाम क्या है? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। वैलेरी बाइडेन ओवेन इनकी बुक का नाम क्या है? ग्रोइंग अप बाइडेन। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? जनक सुता सूत सौर्य जो उत्तर रामायण पे बेस्ड है। कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी को किस राज्य में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो बताइए फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा? फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है त्रिपुरा। अच्छा एक फैक्ट बताइए आप, मतलब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है और नागालैंड है, इनमें से किन राज्यों से मतलब किन राज्यों के साथ कर्क रेखा पास होती है? कर्क रेखा जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो अलग बोलते हैं। यहाँ पे पूछा गया कर्क रेखा के बारे में जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ये इन चारों में से किन राज्यों से पास होती है? ये चारों राज्य नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। ये आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। त्रिपुरा की लोकेशन देख लीजिए आप, ये है त्रिपुरा की लोकेशन, ये देख लिया आप। इसकी बाउंड्री किस किस राज्य के साथ लगती है? तो ये देखिए ऊपर आसाम और इधर मिजोरम। इसकी बाउंड्री इन दो राज्यों के साथ लगती है, आसाम और मिजोरम। अगरतला इसकी कैपिटल है। बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल हैं। 8 जिले हैं लोकसभा की, 2 सीट राज्यसभा की, 1 विधानसभा की 60 सीटें हैं। आसाम मिजोरम दो राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट है, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों त्रिपुरा में स्थित हैं। अगरतला में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अखिल अब्दुल हमीद कुरैशी। बढ़ते हैं आगे। जुलाई 2021 में वर्चुअल मोड में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर क्या होगा? संजय धोत्रे, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ब्रिक्स की बात करें तो ये 5 देशों का समूह है। बी से आता है ब्राजील, आर से आता है रशिया, आई से अपना देश इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें लेटेस्ट मेंबर है जो सबसे लास्ट में इसमें ज्वाइन हुआ है। माना पटेल ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी। वह किस राज्य से हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये गुजरात से हैं। ये फैक्ट आप याद रखेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अयमन बेनाब्दर रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं?
ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं अल्जीरिया के। अल्जीरिया की लोकेशन देखिए आप, ये है अल्जीरिया की लोकेशन। इसकी कैपिटल एग्जाम में पूछी जा सकती है, अल्जीरिस ये इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। अल्जीरिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो अल्जीरियन दिनार ये इसकी करेंसी है, और नॉर्थ में इसके मेडिटेरियन सी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या अल्जीरिया की बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है? जी हाँ, इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। किस देश ने लॉन्च किया फैग्यून 3 मौसम संबंधी उपग्रह? देखो ये अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। अब चाइना ने लॉन्च किया है, दूसरे देश की सैटेलाइट है, तो हमको इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस आप नाम याद रखेगा किसको चाइना ने लॉन्च किया है, और ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप चाइना की लोकेशन देख लीजिए। ये चाइना की लोकेशन है, बीजिंग इसकी कैपिटल है, रेनमिनबी ये करेंसी है, सिन जिनपिंग ये राष्ट्रपति हैं। ऊपर मंगोलिया, नीचे चाइना, दोनों के बॉर्डर पे एक डेजर्ट आता है, नाम क्या है इस डेजर्ट का? गोबी डेजर्ट। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। भारत ने 2021-22 के लिए माल निर्यात में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी, 400। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये हमारे कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। YSR बीमा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? आंध्र प्रदेश सही आंसर है। हर वर्ष किस तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? 4 जुलाई सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? मुकुल गोयल। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? 20वें स्थान पे है। किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति के साथ ब्लैक बेलिड कोरल की खोज की गई है? उत्तराखंड सही आंसर है। भारत का पहला एक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया? तो बैंगलोर रेलवे स्टेशन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। किस फॉर्मूला वन ड्राइवर ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है? जुलाई 2021 में कौन यूनाइटेड किंगडम और इटली के दौरे पर रवाना हो गए हैं? हाल ही में ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान खबरों में है, ये दोनों किस राज्य में स्थित हैं? किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।